माइक टेस्ट ऑल ओके। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सावन यादव और मुझे कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद। और आज के वीडियो में हम बताएंगे पावर ऑफ योर फोन, इन शॉर्ट हाउ टू व्लॉग विथ योर फोन। मेरा मानना है कि व्लॉग करने के लिए दिल का टूटना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जॉब से हो, पढ़ाई से हो या फिर लड़की के जाने से हो, बिकॉज वाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो कुछ दिन पहले हम दशहरा घूमने के लिए गए थे, तो वहीं से बताते हैं फोन से व्लॉगिंग करने के 3 सिंपल रूल्स। सिंपल यहाँ से आएगा कि यहाँ से आएगा, ये सोचना छोड़ दो कि ये सिर्फ एक फ़ोन है भैया। समझो ये मार्केट का सबसे महंगा कैमरा है जो सिर्फ तुम्हारे पास है। फॉर एग्जांपल, घर से बाहर निकले, कोई अच्छा सा मोमेंट नज़र आया, उसको कैप्चर कर लिया। नो, बिल्कुल डोंट बी लकीर ऑफ फकीर। कैमरे की सेटिंग 60 FPS पे करो और ये अपने अंदर के जुनून को बाहर निकालो। लगना चाहिए कि बंदा फ़ोन वाला कैसी है, फिर देखना लौंडो मार्केट में ऐसी की तैसी है। समझ नहीं आया? नहीं समझे? अच्छा रुको रुको रुको, ये पढ़ो। ये कैसे पढ़ सकते हैं चाइनीज में? कोशिश तो करो। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ इसकी बदतमीजी कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही हालात होती है हम लौंडो की जब हम फ़ोन से ब्लॉक करते हैं। वो पिक्सल FPS शटर की स्पीड हमारी खोपड़ी में नहीं घुसती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब सब सही होगा, क्योंकि मार्केट में हम आ चुके हैं फ़ोन से ब्लॉक करने वाले। रूल नंबर 2, फ़ोन वाले स्टोरी फोकस करेंगे और कैमरा वाले शॉट्स पे। जैसे मैं मेला में गया, सामान लिया, आइसक्रीम ली, इसको मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि भैया मैं मेला गया, सामान लिया, आइसक्रीम खाई और वहाँ से निकल लिया। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, अपना वाला फीलिंग आना चाहिए, एक कंजूसी अंदर से बाहर आनी चाहिए। जब तक उस आइसक्रीम वाले से 40 की आइसक्रीम 10 में मांगो ना, तो मज़ा नहीं आएगा। 10 में दीजिएगा। पर गुस्सा नहीं करना, चिल ब्रो, क्योंकि इससे तो स्टोरी बनती है। अब बात है काम की बात पे। भैया एक बात तो क्लियर है, कैमरा में पिक्चर प्रोफाइल, बैकग्राउंड ब्लर, लो लाइट सभी होती है, जो हम गरीबों के फ़ोन में नहीं होती है। तो क्या करें, फ़ोन को फेंक दें, वीडियो ना बनाएं, व्लॉग ना करें? यार फोन में स्लो मोशन ले सकते हैं, टाइम लैप्स ले सकते हैं। चीज़ें हमारे पास कम होती है तो वही चीज़ें हमारी क्रिएटिविटी को पुश करती है। भैया आप तुम्हारे पास यही है जो बनाना पड़ा, और हम बनाएंगे। रूल नंबर 3, काम 25 है रूल, हम अपना रूल खुद बनाएंगे। इसमें हम स्वैग से बाहर निकलेंगे, मतलब लगना चाहिए कि लौंडा घर से निकला है, मतलब। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया हमें किस नज़र से देखती है। बट मुझे दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए वो एक लौंडा फील, वो लगना चाहिए कि लौंडा घर से निकला है, वो वाइब्स मिलनी चाहिए, वो अपने लोगों को लेकर जो निकला है। खौफनाक अंदर से ये सोच मेरी, खतरनाक सत्तर से हट करिए, पौच मेरी फतर से मस्त किए, सोच तेरी अंदर से पंचरिए, व्यूज तेरे खंजर से बंजरिए, दोस्त तेरे मेरे फ्लोज में, हर पल सारी स्विचेस है, पिचेस है, ना ही पिचेस है, सिर्फ इसकी डिफरेंस ही पिचेस है, तुम्हें चिट्टे सोच से अफसोस से मदहोश है। मेरे गाने ये तराने जीवन के में नहीं है माने, अफसाने फसाने जो खुदा ने दिए खजाने, जो जमाने से अनजाने। ऐसे ही यार छोटी छोटी चीजों से व्लॉग में जान आती है, जैसे स्लो मोशन में नारियल फोड़ो। लेकिन हाँ ध्यान रखना, उंगली मत काट लेगा। और रूल के चक्कर में ना घूमना मत भूल जाना। खत्म कर चुके पूजा, निकल पड़े घर की ओर। और वहाँ पे अगर ऑकवर्ड कंडीशन में अगर सबके साथ अगर बोले कि भाई ये हमारा व्लॉग है, ये ऐसे कर लेते हैं और चलो बात कर लेते हैं, तो वो आपको जज करेंगे, जज करे या ना करे आपको घर के निकल ले। जज तो करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, फ़ोन उठा कर सबको दिखाओ कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उनमें से कोई हाथ उठा कर ऐसे हाय हाय करेंगे। इसकी तरह रात की बेड लाइट से खेलनी हो तो अंधेरे का इस्तेमाल करके कभी वीडियो बनाने की कोशिश ना करें, कभी हमेशा लाइट के और तरफ बन के वीडियो बनाने की कोशिश करें, तब वीडियो का फ़र्क पड़ेगा। अगर उस हाँ अगर उसी बेड लाइट का इस्तेमाल करके अगर तुम दिल चाहता का सीन ले लो तो मुद्दा है। दिल चाहता है कभी ना बीत।
रास्ते चमकीले दिन। और अगर आप मेले में अपनी बहन के साथ जाते हो तो इन दुकानों पे तो जाना ही पड़ेगा। बट इन दी एंड बात तो सिंपल है, पैसा आ जाने से महंगा कैमरा आ जाता है, महंगे कपड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अमीर लोगों के साथ आपका अपना बैठना हो जाता है और शायद आप अमीर भी हो जाओ, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती, वो इज्जत नहीं मिलती जो मुझे वीडियो बनाने से मिलती है, आप लोगों से बात करने से मिलती है। और हाँ, इस चैनल पे 55 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब 55 फैमिली के मेंबर। और ये रहे वो लोग, और अंत में यार लोग बुरे नहीं होते हैं, बुरे होते हैं उनके हालात, जो आपको देखकर वो हंसते हैं क्योंकि अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं होती है, क्योंकि वो हंसते हैं और वो हंसते रहेंगे, पहले वो हंसेंगे, फिर आपको इग्नोर करेंगे, फिर अंत में आपके लिए फाइट भी करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो बनाते जाओ और खुशियाँ फैलाते जाओ, स्माइल।